ये सरकार खाली ठप्पा मारने वाली सरकार है। प्रधानमंत्री आवास योजना तो बीजू पक्का था। प्रधानमंत्री आवास योजना पक्का मकान मोदी जी का सपना और ठप्पा बीजू पक्का घर। आप समझो, आप जानो कि किस तरीके के कार्य हो रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूं आयुष्मान भारत, तो हम 11 करोड़ परिवार को मोदी जी 11 करोड़, 50 करोड़ की जनता, यानी 50 करोड़ की जनता का मतलब हुआ सारा अमेरिका, सारा यूरोप, सारा कनाडा सब मिला ले तो हमारा आयुष्मान भारत बनता है 5 लाख रुपए का सालाना कर। लेकिन दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि 60 लाख उड़िया परिवार इससे वंचित है। आप बताइए ये उड़ीसा की जनता के साथ अन्याय है कि नहीं है? अन्याय है कि नहीं है? ये सरकार जो आयुष्मान भारत मोदी जी का लागू नहीं कर रही है, इसको चुनाव में आपने कमल का ठप्पा लगाना है कि नहीं लगाना है? तो उसकी तैयारी करो, इनको विदा करो और आयुष्मान भारत का स्वागत करो, इसकी तैयारी हमको करनी है। मित्रों, मनरेगा में हम लोगों ने यहां पर 15,490 करोड़ रुपए दिए और यहां फर्जी बिल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? ये इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। जल जीवन मिशन में 4,966 करोड़ रुपए आवंटित अभी किए गए और इसमें भी अभी भी ट्राइबल इलाके, आदिवासी इलाके के लोगों को पानी के लिए पोखर में जाना पड़ता है, कुएं पर जाना पड़ता है। आप बताइए ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? इनको विदा करना है कि नहीं करना है? तो विदा करना है तो जो हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, उनका काम है कि बूथ पर जाकर लोगों को ये सारी कहानी बताइए, उनको समझाइए, उनको बताइए कि किस तरीके से कुशासन चल रहा है। और मित्रों, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, यहां रक्षक ही भक्षक बन गया है। 3-3 मंत्री रहे लोगों के बारे में चर्चा होती है कि ये इनकी मर्डर के आरोप में सेक इन तक पहुंची है, मर्डर के आरोप में आरोपित हो रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं। जब सरकार में बैठे हुए व्यक्ति अगर मर्डर के चार्ज में आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासन कितना कुशासित है, कितना कुशासन चल रहा है। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? 3-3 मंत्री रहे लोगों का नाम मर्डर में आया कि नहीं आया है? आया कि नहीं आया? ऐसी सरकार रक्षक बन जाए भक्षक, ऐसे लोग, इसके बारे में हमको सोचने की जरूरत है। उसी तरीके से रत्ना भंडार, उसके बारे में भी आज जगन्नाथ जी की तिजोरी और भंडार वो अभी सुरक्षित नहीं है। कोई बोलता है चाबी खो गई, कोई बोलता है डुप्लीकेट है। अरे सरकारी डुप्लीकेट है तो चाबी तो डुप्लीकेट होगी। कोई चीज सुरक्षित नहीं है। ऐसी सरकार को जाने का रास्ता दिखाना है और उनको भेजना है, डबल इंजन की सरकार बनानी है, ऊपर भी कमल नीचे भी कमल, विकास ही विकास होगा, इस बात को ध्यान में। इसलिए मित्रों, आपसे मैं ये निवेदन करने आया हूं, आप जाइए अपने शक्ति केंद्र पर, अपने बूथ पर लोगों को सारी कहानी बताइए किस तरीके से मोदी जी उड़ीसा का भला करने के लिए दिन रात लगे हुए। आखिर देखिए 8 साल में वो देश की तस्वीर बदल देते हैं, 8 साल के अंदर देश की छवि दुनिया में बदल जाती है। और यहाँ 20-22 साल से आप बैठे और आज भी एम्बुलेंस महिला को मिलता नहीं है, सड़क पर उसको डिलीवरी देनी पड़ती है और कोई डेड बॉडी को घर ले जाने की व्यवस्था नहीं है। मानवता के नाम पर कलंकित हो रहे हैं हम लोग। ऐसी सरकार को घर भेजना जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार लाना जरूरी है। इसके लिए आप काम करें, ये आपको मिलेगा। मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेता हुआ, आज देखिए हमारा कार्यक्रम हुआ तो जगन्नाथ जी का तो आशीर्वाद मिला ही मिला, इंद्र देवता भी आज पूरे वर्ष करके हमारे को आशीर्वाद।
हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब बारिश हो तो समझो कि शुभ कार्य को आशीर्वाद मिल गया है। इसलिए ये बारिश इंद्र भगवान का प्रसाद है, आप समझो उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि आप शुभ मुहूर्त पर निकले हो, नवरात्रों में चले हो, अच्छे समय से चले हो, अच्छे काम के लिए चले हो, उड़ीसा के भला के लिए चले हो, देश के भला के लिए चले हो, आपको सफलता मिलेगी, आगे बढ़ो और आगे बढ़ते हुए यशस्वी हो, यही मैं कहने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उड़िया, जय जगन्नाथ।